ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल के लबाजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। नफरती यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं को मारता था, मुसलमानों को नहीं मारता था। वो हिंदुओं की बेटियों को उठवा लेता था, और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कही है। गाजियाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा ही कोई बयान किसी मुसलमान ने दिया होता, तब क्या होता। हकीकत यह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती बार बार इस तरह की विवादास्पद भड़काऊ बयान दे रहा है, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन तब लिया गया जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। आपको याद है, आज से कई महीनों पहले की बात है, इसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिला नेता होती हैं, उन्हें पुरुष जो नेता होते हैं पार्टी के, उनके साथ जाना पड़ता है। बहुत ही वाहियात बयान दिया था दोस्तों, और उसके अंतर्गत उस आदमी ने बीजेपी के महिला नेताओं का भी अपमान किया था। यह आदमी बार बार भड़काऊ बयान देता है, बार बार इसी तरह के नफरती बयान देता है, मगर पुलिस ने अब जाकर FIR किया है। क्यों? क्योंकि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि उसने प्रधानमंत्री के बारे में दरअसल कहा क्या था, आइए सुनते हैं। स्वामी जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था, और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी, राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया, और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह, मुझे बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री और पृथ्वीराज चौहान दोनों पर आपत्तिजनक बयान। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो राजपूत राजाओं पर सियासत करते हैं, कहां है करणी सेना, कहां है वो तमाम सेनाएं जो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर, पद्मावती के नाम पर सियासत करते हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, दीपिका पादुकोण की नाक काटने के लिए इनाम जारी किया गया था। आज ये आदमी खुलेआम हमारे पृथ्वीराज चौहान का अपमान कर रहा है, मगर कोई सामने उभर कर नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। कितने शर्म की बात है। इससे पता चलता है कि ये लोग जो हमारे राजा महाराजाओं के नाम पर सेनाएं बनाकर घूमते हैं ना, ये सब ढकोसला करते हैं। इन सब के दोहरे मापदंड हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, बाकी हर जगह ये लोग सियासत करते हैं। मगर आज मैं आपके सामने एक और बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, जो इससे भी बड़ा है। बड़ा प्रश्न ये कि यति नरसिंहानंद सरस्वती बार बार इस तरह के नफरती बयान देता रहा है, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता। क्या आप जानते हैं, हरिद्वार की धर्म संसद में इस आदमी ने भड़काऊ और विवादास्पद बयान दिए थे, और उसी के चलते इसे गिरफ्तार किया गया था और बेल पर रिहा किया गया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती बार बार बेल के जो कंडीशंस हैं, बेल जिन शर्तों पर मिली थी, उन शर्तों की धज्जियां उड़ाता रहता है, मगर उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। मगर दूसरी तरफ आपके स्क्रीन्स पर उमर खालिद 2 साल से जेल में हैं, शर्जील इमाम जेल में हैं, सिद्दीक कप्पन बेल मिलने के बावजूद जेल में हैं, मगर ये व्यक्ति जिसे बेल कुछ शर्तों पर मिली थी, वो इस तरह के भड़काऊ बयान देता है और उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। और सबसे शर्मनाक बात, वो करणी सेना या वो तमाम सेनाएं जो पृथ्वीराज चौहान या हमारे राजपूत राजाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, आज यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस अपमान पर खामोश हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ तारीखें रखना चाहूंगा दोस्तों, और मैं चाहूंगा इस पर आप गौर करें। हरिद्वार की धर्म संसद में
भड़काऊ बयान देने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसे बेल मिलती है। मगर दो महीने बाद, इस तारीख पर गौर कीजिए, 3 अप्रैल 2022 बुराड़ी में हिंदू महापंचायत होती है, यानी कि बेल मिलने के दो महीने बाद 3 अप्रैल 2022 को बुराड़ी में हिंदू महापंचायत होती है। वहां यह आदमी फिर से भड़काऊ बयान देता है। क्या बयान देता है? वहां यह कहता है कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ शस्त्र उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं इनका जिहाद जो है पूरे देश को खा जाएगा। यह आदमी यहां नहीं रुकता है दोस्तों, ये अपनी बेल की शर्तों की धज्जियां ऐसे ही उड़ाते रहता है। आगे इसने क्या कहा, 14 दिन बाद, यानी कि 3 अप्रैल के 14 दिन बाद, यानी 17 अप्रैल को यह पहुंचता है ऊना हिमाचल प्रदेश, जगह ऊना हिमाचल प्रदेश, और वहां यह एक बार फिर जहर उगलने लगता है और कहता है कि जो मुसलमान हैं वो पूरे देश को खा जाएंगे, मुसलमानों का जिहाद जो है वो पूरे भारत को खा जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, इसके बाद 3 और ऐसे मौके आते हैं जब वो इसी तरह के नफरती बयान देता है। और अब उसने एक और फरमान जारी किया है दोस्तों, 17 दिसंबर 2022 को गाजियाबाद में उसकी एक धर्म संसद होने वाली है, और इसने कहा है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं ये धर्म संसद करके रहूंगा। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस तरह के नफरती चिंटुओं, इस तरह से नफरत फैलाने वाले लोगों के बारे में पूरी तरह से खामोश रहते हैं। बेशक वो पृथ्वीराज चौहान का अपमान करें। आपको क्या लगता है, गाजियाबाद पुलिस ने जो FIR उस आदमी के खिलाफ जारी की है वो इसलिए जारी की है क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान का अपमान किया? नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यह FIR इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि इस आदमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है। इस आदमी ने BJP महिला नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, तब भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर कपिल मिश्रा, बेहोश मिश्रा, इस वाहियात भाजपाई ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के नाम पर फंड रेजिंग की थी, पैसे की उगाही की थी। शर्म आती है तुम्हें कपिल मिश्रा? एक नफरती के नाम पर तुम फंड रेजिंग कर रहे थे? वो आदमी जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप शब्द बोलता है, वो आदमी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द बोलता है, हिंदू महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलता है, याद है आपको इसने हिंदू महिलाओं के बारे में क्या कहा था? इस व्यक्ति ने कहा था कि हिंदू महिलाओं को मुसलमान जो है वो आसानी से रिझा लेता है। खुलेआम इस तरह से मंच पर ही बयान दे रहा था। इसने हिंदू मर्दों की कमजोरी के बारे में भी बयान दिया था। और विडंबना देखिए कि हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथ देता है, उसके साथ खड़ा हुआ है। आज ये कार्यक्रम इस बात को लेकर नहीं था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती समाज के अंदर जहर फैला रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यति नरसिंहानंद सरस्वती नफरत का सिर्फ प्रतीक है। इस कार्यक्रम का मकसद था भारतीय जनता पार्टी सरकार के दोहरे मापदंड आपके सामने लाने का। इस कार्यक्रम का मकसद था उन तमाम संस्थाओं के दोहरे मापदंड आपके सामने लाने का जो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के ऊपर राजनीति करते हैं और समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया, फिल्म पद्मावत आई थी, पद्मावती का किरदार निभाया था दीपिका पादुकोण ने, रानी पद्मावती का किरदार, और फिर उनके खिलाफ इस समाज के 56 इंच सीने वाले मर्द कहते हैं कि जो इसकी नाक काट के लाएगा उसे हम सम्मानित करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जो यति नरसिंहानंद सरस्वती हमारे राजा महाराजाओं का इस तरह से अपमान कर रहा है उस पर तुम खामोश बने हुए हो, इसे तुम मर्दानगी कहोगे? मुझ पर नाराज होने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा गिरेबान में झांको, तुम्हारे दोहरे मापदंड बगैर कहे तुम्हें करारे तमाचे मार रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर करारे तमाचे जड़ रहे हैं तुम्हारे अपने दोहरे मापदंड, क्योंकि तुम ना हिंदू हो ना तुम्हारे अंदर हिंदू धर्म की कोई इज्जत है, तुम सिर्फ
धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। यह कहना बंद करो कि तुम सच्चे हिंदू, तुम जो कर रहे हो उसका हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है। अगर तुम सच्चे हिंदू होते तो गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते। तुम मुझे देशद्रोही कहते हो, तुम मुझे हिंदू विरोधी कहते हो, और मेरी पत्रकारिता पर अगर निगाह डालोगे तो मैंने पिछले 8 सालों में सिर्फ जनता की आवाज को सामने पहुंचाया है, उस आवाज को जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मेरे बारे में अनाप शनाप कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको। जो गलत है मैं हमेशा उस पर सवाल उठाता हूं, और तुम यति नरसिंहानंद सरस्वती के सामने कांप कर चुप हो जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबूसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।